समय से प्रतीक्षारत समान परिवर्तन का काम गोंडा बहराई शुरू पूरा हुआ। मोटे तौर पर लगभग 318 करोड़ की परियोजना थी, काफी पहले स्वीकृत हुई थी, लेकिन जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि निवेश बहुत कम पहले रेलवे में होता था। पिछले 4 वर्षों में हमने 260 करोड़ रुपए देकर के इस काम को पूरा कराया है और इससे मैं समझता हूं कि इस इलाके के लोगों के आवागमन में काफ़ी सहूलियत होगी। 3 डेमू गाड़ियां गोंडा बहराइच रोज चला करेंगी और एक बड़ी परियोजना का मैंने ऐलान किया जो मोटे तौर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से है, जो 4 जिलों को जोड़ने वाली है। ये रेल लाइन बनने के बाद इस इलाके में आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। सामान्य तौर पर जैसा मैं बता रहा था कि इस इलाके के रेल नेटवर्क, खासतौर से देवीपाटन मंडल के रेल नेटवर्क पर, और मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों की बात करूं, गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज और बहराइच, तो लगभग 319 करोड़ रुपए के काम हमने पिछले 4 वर्षों में पूरे किए हैं और 170 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। गोंडा पूर्वोत्तर रेलवे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन रहा है। इसके सभी प्लेटफार्मों को मानक के अनुरूप ऊंचाई और उनकी लंबाई, ताकि पूरी गाड़ियां अगर 24 और 26 कोच की भी गाड़ी अगर आती है तो किसी यात्री को नीचे न उतरना पड़े, अच्छे प्लेटफार्म पर उतर सके, इसका इंतजाम कर रहे हैं। एक एस्केलेटर यहाँ लग गया है, एक और एस्केलेटर रोड लिफ्ट लगाने का काम यहाँ जारी है। यहाँ मेमू और डेमू गाड़ियों के रख रखाव और एक अच्छा कनेक्शन, ताकि आसपास के जिलों में लोगों का आना जाना सुविधापूर्वक हो सके, उसका केंद्र हम गोंडा बनाना चाहते हैं। दो आरोपी की चर्चा यहाँ बहुत लंबे समय से है, उसको भारतीय रेल ने स्वीकृत कर लिया है। लाभ प्रयत्न के बावजूद भी राज्य सरकार उसमें सहमति नहीं देती थी, लेकिन इस सरकार ने, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, इस सरकार ने सहमति, वित्तीय सहमति और स्वीकृति दोनों दे दी है, तो संयुक्त VDR बनाने का काम हो रहा है और उसका टेंडर करके उस काम को भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बढ़िया इस देवीपाटन मंडल का, इस इलाके का हो, उस दृष्टि से जो आवश्यक था वो काम हमने पूरा किया है और इससे आने वाले दिनों में काफ़ी फर्क पड़ेगा। सर, कितनी ट्रेन चलाई है आज? कितनी मैंने चलाई? एक है, कहा यह है कि 3 गाड़ियाँ जाएंगी, 3 चलेंगी, तो अभी एक साथ 3 तो नहीं चलाई जा सकती। मंत्री जी, आप क्या एक तरीके से चुनावी वर्ष है लखनऊ बीच में चलने का?